नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं श्री मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी एसएससी के इस परीक्षा में कई बार अव्वल आ चुके हैं, या कह लीजिए चैंपियन हैं। उनके सजेशंस के अनुसार यदि आप काम करते हैं तो इस परीक्षा में सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए मुकेश जी से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एसएससी के रिटेन के बारे में बताना चाहूँगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का रिटेन अच्छे मार्क्स से कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद 5-6 बार एसएससी का रिटेन अच्छा से क्लियर कर चुका हूँ, अच्छा मार्क्स उसमें ला चुका हूँ। अभी मैं फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, अब तो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़्यादा दिन टाइम नहीं बच रहा है। जो कम टाइम बच रहे हैं उसमें आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं भाई? तो मैं सबसे पहले आपको इंग्लिश पेपर में बताना चाहूँगा। उसमें 3 पेपर होता है, एक इंग्लिश, एक जीएस और तीसरा रीजनिंग का पेपर। तो इंग्लिश में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस इंग्लिश पे करना होगा, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसको आप थोड़ा मेहनत करके ही 80-90 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। जैसा कि मैंने जब भी एग्ज़ाम दिया है तो एसएससी का पेपर में मैंने 80-90 के बीच में ही लाया है। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा भी पढ़ा हूँ, केवल थोड़ा सा ही मेहनत करके आप भी उस सिक्योर कर सकते हैं। मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। जैसे आपको एसएससी क्लियर करने के लिए स्टेनोग्राफर का पेपर, उसमें इंग्लिश पे ध्यान देना होगा। इंग्लिश में आपको वॉइस क्लियर करना होगा, क्योंकि वॉइस 10 मार्क्स का आता है। दूसरा हुआ नरेशन, नरेशन आपको क्लियर करना होगा, वो भी 10 मार्क्स का आता है। तीसरा आपको कंप्रिहेंशन देखना होगा। ये तीनों मिलकर जो है आपको इसमें, यही तीन में आप 30 में 25-26 तो आराम से ला सकते हैं। ये जब तीनों क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप उसमें इरर आता है, इरर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको, हाँ देखिए, आपको इंग्लिश पेपर में वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि वर्ड्स बहुत कहीं ना कहीं वर्ड्स ही मेन है, क्योंकि उसमें एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, OWS मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ये सब सारा वर्ड्स ही हैं, इडियम्स फ्रेजेज आता है। तो इसके लिए मैं आपको प्रीफर करूँगा एक एससी हार्डविक का बुक आता है जो 0-5 वॉल्यूम है, वो 5 आप क्लियर कर लीजिए। जितना कि टाइम बच रहा है उतने समय में आप ये क्लियर कर ही सकते हैं। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं इच्छा करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें और अपना एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करें। इंग्लिश की बात हो गई भाई, अब मैं आना चाहूँगा जीएस की पेपर पे। जीएस में 50 मार्क्स का जीएस का आता है पेपर, जिसमें आप 30-35 ला ही सकते हैं अगर पेपर अच्छा रहा तो। तो जीएस में आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होगा। जितना कि टाइम बच रहा है उसमें आप करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। 3-4 महीने का पिछले आप करंट अफेयर्स कोई भी मैगजीन ले लें, उसको आप अध्ययन कर लें। उसके बाद करंट अफेयर्स के साथ आपको हिस्ट्री और साइंस पे ध्यान देना होगा, साथ में ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का 2 पेपर आता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। मैं बोलूँगा इंडियन ज्योग्राफी आप ध्यान दें, इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 पेज, बहुत सा ऐसा पुस्तक है जो 4-5 पेज में ही कवर हो जाता है पूरा। तो वो इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली 4-5 मार्क्स आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद आप बायो पढ़िए, साइंस में बायो पहले कवर कीजिए, क्योंकि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप देख लीजिए। ये सब जब हो जाता है तो आप जो आप देखते होंगे बहुत से बुक में, जीएस का बुक में पीछे में कुछ विविध क्वेश्चन रहता है, वो विविध देख लें, वो विविध देखने से भी आपको बहुत मदद मिलेगा। उसके बाद पॉलिटी थोड़ा देख लें, पॉलिटी में कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद आता है, जैसे कि फंडामेंटल्स राइट्स वगैरह आप देख लें, उससे जरूर एक ना एक आर्टिकल आता ही आता है। उसके बाद आ गया रीजनिंग, अब रीजनिंग की बात हम करेंगे। रीजनिंग 50 मार्क्स का आता है, जो भाई अब तो ज़्यादा समय नहीं है कि रीजनिंग को अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टाइम को आप ध्यान में रखिए। अगर रीजनिंग आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा ही बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बैंक का रीजनिंग थोड़ा टफ लेवल का होता है, लेकिन एसएससी का रीजनिंग जो होता है वो आप लोग कर सकते हैं और अच्छा हो जाएगा। केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, बचे हुए जितने समय है उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका रीजनिंग का पेपर क्लियर हो जाएगा। और मैं भगवान, तो मित्रों ये थे श्री मुकेश कुमार जी, जिनके सुझाव के अनुसार यदि आप काम करेंगे तो एसएससी का स्टेनोग्राफर की परीक्षा पूर्ण रूप से और अच्छे अंकों से पास करना मुश्किल काम नहीं होगा। और भी ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि विभिन्न विषयों पर
और विभिन्न परीक्षाओं की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।